आपकी दुआएं सामीन की दुआएं एकदम खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुनाएं आज क्या सुना रहे हैं आप? बस आज भी कुछ माँ के हवाले से, माँ के हवाले है कि माँ से हमदर्दी, वो मैं पढ़ूंगा। लेकिन पहले जो है एक तो शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, ताकि और भी इसका जो है वजन बढ़ जाए। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने। ये बाजी कहते हैं कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने जी, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, शुक्रिया बाजी की। माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। और ये कथा पढ़ता हूँ कि अपने कमरे और अपने दालान में रहता हूँ, अपने कमरे और अपने दालान में रहता हूँ, घर में रहकर भी लेकिन नुकसान में रहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। शुक्रिया जी। घर में रहकर भी लेकिन नुकसान में रहता हूँ, और माँ के मर जाने पे घर का मंजर मत पूछो। वाह, शुक्रिया जी। कहते माँ के मर जाने पे घर का मंजर मत पूछो, ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में रहता हूँ। क्या बात, ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में रहता हूँ जी भाजी। और ये जो मेरे सामने किताब है मगर फिर भी, ये फरजाना सफदर की लिखी हुई शायरी एक किताब है, और वहाँ से मैंने मुझे एक मुझे पसंद आया है कि माँ से हमदर्दी। अच्छा, इसी में माँ के हवाले से एक और है ना? जी जी, मैंने बस देख नहीं पाया था और मुझे अभी यही मिला। और छोटी, ये तो बच्चों की नज्म है ना, ये तो बच्चों की नज्म है जो आप माँ से हमदर्दी पढ़ रहे। हाँ जी जी, तो ये भी माँ के हवाले से ही है। फिर इंशाल्लाह देखता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम जी, जी, जी। चलिए इरशाद। हाँ जी, तो ये है बाजी कि प्यारी माँ क्यों अपना खून जलाती हो, प्यारी माँ क्यों अपना खून जलाती हो, गर्मी में क्यों इतना पसीना बहाती हो, गर्मी में क्यों इतना पसीना बहाती हो, दिन भर किचन में क्यों जलती रहती हो। बहुत अच्छे जी, शुक्रिया बाजी की। दिन भर किचन में क्यों जलती रहती हो, कुछ तो सोचो क्यों तुम थकती रहती हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुछ से। तो सोचो क्यों तुम थकती रहती हो, लाओ दाबू पांव तुम्हारे प्यारी माँ, लाओ दाबू पांव तुम्हारे प्यारी माँ, मिल जाए जन्नत के इशारे प्यारी माँ। बाहर निकलूं देखूं जमाना कहाँ जाता है, यही है ना बाजी। बाहर निकलूं देखूं जमाना कहाँ जाता है, बाहर निकलूं देखो जमाना कहाँ जाता है, अपने घर में खाना कौन पकाता है। ये शुक्रिया भाई। सही, सही। अपने घर में खाना कौन पकाता है। हम सब मिलकर रेस्टोरेंट में चलते हैं, हम सब मिलकर रेस्टोरेंट में चलते हैं, जहाँ मजे के खाने हमको मिलते हैं, जहाँ मजे के खाने हमको मिलते हैं, हमको मिलते हैं। और इसका आखिरी शेर है कि हम तो चाहें तुमको माँ सीख मिल जाए। अच्छा, हम तो चाहें तुमको माँ सीख मिल जाए, अपना क्या है हमको जैसा मिल जाए। वाह भैया, क्या बात है। अपना क्या है हमको जैसा मिल जाए। वाह। प्यारी माँ क्यों अपना फोन जलाती हो, गर्मी में क्यों इतना पसीना बहाती हो। वाह। और इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you.